हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिवाली आ ही चुकी है ऑलमोस्ट, घर की सफाई तो हो गई है, तो चलो आज हम अपनी सफाई भी करते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं साथ में। दिवाली शॉपिंग और घर की साफ सफाई, घर के कामों में ही आज का पूरा दिन निकल गया। उसके बाद मैंने शूटिंग की, रात का पूरा टाइम हो चुका था, मैंने आपको दिखाया अभी 12:30 ऑलमोस्ट हो चुके थे। तो इस टाइम पे आई थॉट चलो अब एक दिन बाद, एक दो दिन बाद ही दिवाली है, लेट्स पैम्पर माई सेल्फ, बिकॉज उसके बाद आई डोंट थिंक सो टाइम मिलने वाला है। दिवाली के ब्यूटीफुल मेकअप लुक्स मैंने क्रिएट किए हैं, तो अगर अब तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ और देखो। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना मेकअप रिमूव किया, किसी मेकअप रिमूवर बाम से नहीं किया है, मैंने एक मेकअप रिमूवर पैड है उसको पानी में डिप किया और डायरेक्टली उससे मेरा जितना भी मेकअप था वो एक ही बार में निकल गया। दिस इज अ वेरी इजिएस्ट वे, अगर आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है और कई बार ऐसा होता लेट हो गया, मेकअप रिमूव करने का मन नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, मेकअप हमेशा रिमूव करके ही सोना है। तो सबसे पहले मैंने मेकअप रिमूव किया अपना मेकअप रिमूविंग पैड से, उसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश किया वाओ के फेस वॉश से। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फेस वॉश गाइस, उससे आपको इंस्टेंट ब्राइटन अप दिखती है आपकी स्किन। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक हल्दी स्क्रब है वो मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। पैम्पर रूटीन में स्क्रब होना इज मस्ट। इस वॉश करने के बाद स्क्रब करने से आपके फेस में जितने भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, एक दो बार में नहीं होगा, आपको इसको कंसिस्टेंट करना होगा। आपके फेस में जितने भी इम्प्योरिटीज है, डस्ट है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। टेक योर टाइम, करीब 4-5 मिनट आपको स्क्रब करना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। दिस इज नॉट मस्ट कि सिर्फ फेस्टिव सीजन्स में ही आपको अपने आप को पैम्पर करना है, जब भी आप लो फील करो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बाद अगर आप अपने आप को पैम्पर करते हो तो आपको बहुत 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 अच्छा लगता है। एनीवेज, अब मैं यहाँ पे एक उपटन अप्लाई कर रही हूँ, ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, मैं इसको एक्चुअली कंटिन्यू यूज करती हूँ। इसको बनाने के लिए आपको लगेगा हल्दी, बेसन, दही और शहद। ओ माई गॉड, ये ना फेस पैक नहीं है, ये सच में एक जादुई ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के लिए। इसको लगाने के बाद अगर आप एक्चुअली कंटिन्यू इसको 1 वीक तक भी करते हो रेगुलर, आपको अपने स्किन में एक्चुअली इंस्टेंट निखार दिखेगा। निखार एज इन ऐसा नहीं होगा आप काले से गोरे हो जाओगे, लेकिन हाँ आपके जो एक्चुअल स्किन है, एक्चुअल टेक्सचर है आपकी स्किन का, वो आपको दिखने लगेगा। मुझे बहुत 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 पसंद है ये ट्रीटमेंट, मैं इसीलिए इसको रेगुलर बेस पे करती हूँ। बहुत हल्के हाथों से इसको अपने फेस पर एटलीस्ट 3-4 मिनट तक स्क्रब करना है, स्क्रब एज इन अप्लाई करना है जितना भी आपका अफेक्टेड एरिया है स्पेशली। उसके बाद उसी पेस्ट को एक थिक लेयर में आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम उसको 20 मिनट्स आपको रखना है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है, 70-80% ही ड्राई होने देना है। उसके बाद आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर सकते हो, लेटर देन यू विल सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। अगर आप इस तरह का ट्रीटमेंट वीक में एक बार भी करते हो या महीने में या 15 दिन में 2 बार करते हो तो आपको सच्ची में बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके खुद बताओगे कि प्रीति आपने जितने भी ट्रीटमेंट बताए हैं हमें बहुत 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 इफेक्टिव है। फेस पैक के बाद मैं यूजुअली अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ, जैसे कि अपर लिप्स हो गया, फॉरहेड हो गया, साइड लॉक्स हो गए, तो इधर से जो है ना आपके फेस पर जितने भी बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल आपको मेकअप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो मेकअप उससे आपका केकी लगने लगता है। ये तो मैक्सिमम आपको 15 डेज में करना ही चाहिए, इससे आपकी स्किन की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। अगर आपके फेस पर किसी भी तरह के पिंपल है तो आप पिंपल पे अपना ये रेजर अप्लाई नहीं करोगे, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत धीरे धीरे टाइम लेते हुए आपको अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। बस बहुत जल्दी जल्दी और हार्श अपने फेस पर रेजर नहीं अप्लाई करना है, ओके? फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मैं यूजुअली स्क्रब करती हूँ अपने लिप्स पर भी, या तो मैं कॉफी और हनी का स्क्रब बना लेती हूँ या मार्केट वाले स्क्रब भी मैं यूज कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैं मार्केट वाला स्क्रब यूज कर रही हूँ, तो लिप्स पे भी आपको स्क्रबिंग करनी है, इससे आपकी जो लिप्स की पिगमेंटेशन है वो भी रिमूव होगी ग्रेजुअली, ऐसे तुरंत कुछ भी नहीं होता है गाइज, एवरी ट्रीटमेंट टेक टाइम, ओके? तो पेशेंस रखो और धीरे धीरे अपनी स्किन केयर, अपने रूटीन को आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्लोइंग स्किन इन योर रियल टेक्सचर।
अब मैं यहाँ पे गोल्डन पील ऑफ मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये एवरयूथ का गोल्ड पील ऑफ मास्क है। फेस्टिवल सीजन है एज आई सेड टू यू। यूजुअली मैं इसको 15 दिन में अप्लाई कर लेती हूँ। इससे अगर रेजर के बाद भी आपके फेस पर छोटे छोटे बाल हैं तो वो भी रिमूव हो जाता है, और ऑफकोर्स ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है, स्किन टाइट होती है, डस्ट रिमूव हो जाता है, आपको इंस्टेंटली बहुत ही सुंदर इफेक्ट मिलता है। फॉर श्योर मुझे पर्सनली मिलता है, अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ड्राई होने देना है, 15 से 20 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाता है। पतली लेयर लगानी है इसकी, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी। ओके, सूखने के बाद उसको चिन की तरफ से निकालना है, ये साइड साइड से ही आपको निकालना है, ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं निकालना है, बिकॉज स्किन को हमें टाइटनिंग इफेक्ट देना है। राइट, तो मैं यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ अपने पूरे मास्क को रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मेरे फेस पर इस वक्त बहुत सारे बाल नहीं है तो इसलिए मास्क इजिली निकल रहा है। अगर आपके फेस पर बाल होंगे और आपने रेजर नहीं किया हुआ है, और अगर आप रेजर नहीं करना भी चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, दैट इज बियरेबल। अब मैं यहाँ फेस वॉश कर लूंगी अच्छे से, ताकि जो भी थोड़े बहुत मास्क के पार्टिकल्स रह गए मेरे फेस पे वो रिमूव हो जाए। फॉर फाइनल स्टेप मैं यहाँ पे पोटैटो ब्राइटनिंग शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ, टू गिव दैट कम्प्लीट नरिशमेंट टू माई फेस। इसको खोलना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए, और उसके बाद इस पूरे मास्क को अनफोल्ड करना, भाई ये तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे लिए। और मैं इसको ढूंढते रह जाती हूँ, कहाँ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ है इसका एंडिंग पॉइंट। एनीवेज फाइनली ढूंढने के बाद मैंने इस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है, और उसको मैं करीब 20 मिनट के लिए और छोड़ दूंगी, सो दैट मास्क की जितनी गुडनेस है, जितना नरिशमेंट है, वो मेरी स्किन को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। मैं कोशिश करती हूँ कि शीट मास्क भी मैं एटलीस्ट 15 दिन में दो बार लगा सकूं, पर जब टाइम नहीं होता तो मैं स्किप कर देती हूँ। अदरवाइज मेरा जो उपटन वाला मास्क है, मैं उसको जरूर जरूर अप्लाई करती हूँ। आप ये पूरा रिचुअल, ये पूरा रूटीन ट्राई करना, और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कितना फायदा लगा। 20 मिनट हो चुके थे, 20 मिनट के बाद इस पूरे शीट मास्क में से जितनी भी नरिशमेंट, जितना भी सीरम था, वो मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो चुका था। उसके बाद मैंने इस शीट मास्क को रिमूव किया, और इंस्टेंटली मुझे मेरी स्किन जो है इतनी ब्राइटन अप लगी। ओह माय गॉड, आई वाज लविंग माय सेल्फ एट दैट टाइम। मैंने जितना भी रिमेनिंग सीरम था मेरे फेस पर, उसको अच्छे से अपने फेस में और ऑब्जर्व कराया, और थोड़ा सा ऐसे मसाज करी अपने फेस पर और नेक पर, और उसको ओवरनाइट छोड़ दिया। लास्टली मैं यहाँ लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं जाती हूँ सोने। गुड नाइट, बाय बाय।